नमस्कार प्रिय छात्रों, आज की जो ऑनलाइन पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। और प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम देखेंगे पढ़ेंगे वो टॉपिक है हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद। इससे पहले जो हमने अध्ययन किया था वो छायावाद के बारे में अध्ययन किया, छायावाद कारधारा के बारे में हमने 4-5-6 वीडियो बना चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि आपने सबने वो देखी और सुनी होगी और उसका गहराई से अध्ययन किया होगा। उसके बाद बीए द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो सिलेबस आता है हिंदी साहित्य का, उसमें अगला जो प्रकरण लेकर आए हैं वो हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद। तो आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लीजिए छात्रों, सबसे पहले शब्द आता है प्रगतिवाद। क्या है प्रगतिवाद? प्रगतिवाद क्या है? शब्द से हमें बोध होता है प्रगति माने आगे की ओर अग्रसर होना, प्रगति करना, उन्नति करना। तो इस अब यह नहीं कि प्रगति शब्द केवल हिंदी साहित्य में ही प्रयोग में लिया जाता है, ये जीवन के विभिन्न पहलुओं में, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में प्रगति का अपना स्थान है। प्रगति का मतलब है उन्नति करना, आगे की ओर बढ़ना, है ना? और अच्छे ढंग से यानी जीवन के मानवीय मूल्यों में परिष्करण करते हुए, जीवन को परिष्कार करते हुए जीवन मूल्यों को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना, बनाना, ये प्रगति का मतलब होता है। अब हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का उदय कब हुआ और हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का महत्व क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि प्रगतिवाद हिंदी में 1936 में इसका प्रारंभ हो गया था। 1936 में प्रगतिवाद प्रारंभ हो गया था। 1935 क्यों? क्योंकि 1935 में हमें देखना है, 1935 में लखनऊ में प्रगतिवादी लेखक संघ यानी प्रगतिवादी लेखक संघ का आयोजन किया गया, जिसके पहला सम्मेलन हुआ प्रगतिशील लेखक संघ यानी प्रगतिशील लेखक संघ। प्रगतिशील लेखक संघ इसका 1935 में यह सम्मेलन हुआ और लखनऊ में हुआ। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे उस समय अध्यक्ष वो थे प्रेमचंद। हमें ध्यान रखना, प्रगतिशील लेखक संघ यानी प्रगतिशील लेखक से संबंधित सभी लेखक, कवि, साहित्यकारों ने एकत्रित होकर लखनऊ में इस संघ के जितने भी कार्यकर्ता है उन्होंने एक सम्मेलन किया 1935 में और उसकी अध्यक्षता की थी मुंशी प्रेमचंद ने, जो बहुत बड़े कहानीकार और उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। उसके बाद प्रगतिशील लेखक संघ को और उन्नति देने के लिए प्रगतिवादी काव्यधारा को काव्यधारा में कार्य करने के लिए, लेखन करने के लिए, काव्य सर्जन करने के लिए यानी विभिन्न कवियों ने प्रगतिवादी काव्यधारा को प्रारंभ कर दिया, उसमें लिखना शुरू कर दिया। तो उसके बाद इसका जो शुरुआत मानी जाती प्रगतिशील काव्यधारा की वो 1936 से मानी जाती, क्योंकि 1935 में यह तय किया गया कि सभी जो प्रगतिशील लेखक हैं वो वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यानी ऐसा
लेखन करेंगे, ऐसा काव्य सर्जन करेंगे, ऐसा गद्य लेखन करेंगे जिससे देश को उन्नति का मार्ग मिले, देश में सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति जो है वो उन्नति की ओर, यानी कि सत्म तत्वों से दूर हटकर एक प्रगति करते हुए देश को रास्ता मार्गदर्शन देती हुई धारा के रूप में होना चाहिए। तो 1936 में माना जाता है, 1936 में प्रगतिवादी कामधारा का प्रारंभ हो चुका था। और ये 1943 ईस्वी तक इसका कालखंड माना जाता है। 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक प्रगतिवादी कामधारा का जो कालखंड है वो रहा है, ये इसका कालखंड रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब बात आती है किसकी, कि प्रगतिशील काव्यधारा, प्रगतिवाद, ये जो शब्द है ये किससे संबंधित है, ये विचारधारा कहां से प्राप्त हुई। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मार्क्स जो कार मार्क्स हुए हैं, बहुत बड़े विचारक हुए हैं पश्चिम राष्ट्र के, कार मार्क्स। कार मार्क्स का एक सिद्धांत है क्या, कार मार्क्स, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, क्या दिया था उन्होंने एक सिद्धांत, मार्क्स, मार्क्स का यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मार्क्सवादी, मार्क्सवादी द्वंद्ववाद भौतिकवाद इस सिद्धांत, ये सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है, मार्क्सवादी द्वंद्ववादी भौतिकवाद, यानी मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये द्वंद्वात्मक है, द्वंद्वात्मक मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इस सिद्धांत का क्या मतलब है कि मार्क्स ने एक सिद्धांत दिया था कि इस समाज में दो वर्ग हैं, एक तो क्या पूंजीपति, जो पूंजीपति हैं, पूंजीपति, दूसरा है श्रमिक, ये शोषक हैं, इनको उन्होंने शोषक कहा और इनको कहा शोषित, शोषित, ठीक, यानी पूंजीपति को शोषक कहा और श्रमिकों को जो मजदूर होते हैं, श्रमिक होके निम्न स्तर जिनका निम्न स्तर जिनका जीवन निम्न स्तर होता है वो शोषित होते हैं। समाज के ये दो वर्ग ही कालांतर से समाज में हमेशा रहते हैं, है ना। तो यानी पूंजीपति लोग और शोषण वर्ग क्या करते हैं, श्रमिक मजदूर लोगों का शोषण करते हैं, शोषण करते हैं। ये जीवन में एक वास्तविक संघर्ष, एक द्वंद्व चलता रहता है कि शोषक शोषितों का शोषण करते रहते हैं, पूंजीपति हमेशा श्रमिक मजदूरों का शोषण करते रहते हैं। उनके प्रति ये भौतिकवादी धारणा हमको कार्ल मार्क्स ने दी कि श्रमिकों को उत्थान होना चाहिए, इनकी उन्नति होनी चाहिए, पूंजीपति इनका शोषण ना कर सके, ये ऐसे अपने आप में विकसित हो जाने चाहिए कि पूंजीपति इनका शोषण नहीं कर सके और समाज में इन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान का दर्जा मिलना चाहिए। तो अपने आप जीवन में और जीवन के विभिन्न पहलुओं में और अपने कर्मों से, अपनी विचारधारा से अपने आप को श्रेष्ठ साबित करें समाज में, और एक द्वंद चलता है यानी क्रांति के आधार पर, क्योंकि मार्क्सवाद ने कहा कि क्रांति के बल पर ही कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, कि सारी दुनिया के मजदूर जब एक हो जाएंगे तो सारे पूंजीपति जो शोषक वर्ग है तो उनके विरुद्ध जब क्रांति उत्पन्न हो जाएगी तो समाज में समरसता आ जाएगी, समन्वयता आ जाएगी, साम्यवाद आ जाएगा। तो ये दृष्टिकोण दिया कार्ल मार्क्स ने, इसी दृष्टिकोण को, इसी विचारधारा को हिंदी साहित्य में
प्रगतिवाद कहा जाता है, प्रगतिवाद। इसी विचारधारा को हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद कहा जाता है। यानी प्रगतिवादी शोषितों के लिए प्रगतिवादी है, जो शोषितों के लिए उपयोग में किया जाता है। प्रगतिवादी शब्द समाज में व्याप्त जो शोषित वर्ग हैं उनके लिए किया जाता है। पूंजीवाद, सामंतवाद, धार्मिक संस्थाओं, इनके विरोध में, इनको शोषक कहा जाता है। जो पूंजीवाद होते हैं, सामंतवाद, धार्मिक संस्थाएं होती है, ये समाज के निम्न मजदूरों का, निम्न व्यक्तियों का शोषण करते हैं और इनको चिन्हित कर समाज से इनको उखाड़ फेंकने की जो विचारधारा सामने आती है वही हिंदी साहित्य में क्या है, प्रगतिवाद है। ठीक है ना, प्रगतिवाद है। अब हिंदी साहित्य प्रगतिवाद का जो प्रारंभ है 1936 से प्रारंभ हो गया था, 1943 तक ये कालखंड चला प्रगतिवाद का। तो इस कालखंड में विभिन्न कवि आए जिन्होंने अपनी काव्य रचनाएं लिखी और समाज को नया निर्देश दिया, समाज को उन्नति और अपने आप में एक मजबूत रूप से खड़े करने के लिए इन्होंने अपने अपने विचार रखे काव्य के माध्यम से। अब देखिए प्रगतिवादी जो विचारधारा है उसका कल्पनाओं के बजाय जीवन से जोड़कर देखती है। यहाँ कल्पनाएं नहीं होती है, कल्पना नहीं होती है, जीवन मूल्यों से जीवन को उन्नत करना है। जीवन को क्या करना है, उन्नत। सिर्फ ये जो कालधारा प्रगतिवादी कालधारा, इसमें माना कि कभी काव्य कल्पना के बल पर ही काव्य सृजन करते हैं, कल्पना उनका घृणा होता है, कहने को मतलब कल्पना उनका आधार होता है, लेकिन प्रगतिवादी जो कालधारा के कवि हैं वो कल्पना को अपने काव्य में महत्व नहीं देते हैं, बल्कि वास्तविक जो जीवन है मनुष्य का, समाज का, जो व्यक्ति ने जो वास्तविक जीवन है उसको उन्नत करने के लिए एक मजबूत विचारधारा को संकेत करते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए धर्म के बहुत सारे रूढ़ियां समाज में व्याप्त है। धर्म के बल पर व्यक्ति कमजोर हो जाता है, कायर हो जाता है, अकर्मण्य हो जाता है। तो उस धर्म की रूढ़ियों से, रूढ़ियों के प्रति विरोध करके व्यक्ति को कर्तव्यनिष्ठ, संस्कृत निष्ठ, साम्यवादी विचारधारा का, उन्नति वादी विचारधारा का, प्रगतिशील विचारधारा का व्यक्ति बनाने का संकल्प प्रगतिवाद में देखने को मिलता है। अब देखो वो कहते हैं कि प्रगतिवादी क्रांति की विचारधारा है, प्रगतिवादी क्रांति की विचारधारा है। किसकी, क्रांति। ये क्रांति की विचारधारा है क्योंकि जब तक क्रांति नहीं करेंगे, जब तक पूंजीपतियों के विरोध में हम खड़े नहीं होंगे, वो हमारा इसी तरह समाज में शोषण करते रहेंगे और हम सदा ही उनके नीचे, उनके गुलाम, उनके दास बनकर अपने व्यक्तित्व को, अपनी ऊर्जा को, अपनी विचारधारा को हम कभी भी उन्नत नहीं होने देंगे। इसलिए हमें उन पूंजीपतियों का विरोध करके उन्हें समाज से इस उखाड़ फेंक कर समाज की मुख्य धारा में अपने आप को स्थापित करना है। ये प्रगतिवादी विचारधारा है। अब देखिए अब प्रगतिवादी जो कवि हैं वो क्या करते हैं, कविताओं के माध्यम से मानवीयता का रूप प्रदर्शित करते हैं, वो मानवता को महत्व देते हैं कि मानव श्रेष्ठ है। वो ईश्वर और धर्म में आस्था नहीं करते। ईश्वर और धर्म प्रगतिवाद में निषेध माना जाता है। ईश्वर यानी ईश्वर और धर्म, और धर्म ये प्रगतिवाद में इनको महत्व नहीं दिया जाता, मानव को महत्व दिया जाता है, यानी मानवता को महत्व दिया जाता है, मानवता को महत्व दिया जाता है। ईश्वर और धर्म पर वो व्यक्ति को कमजोर नहीं करना चाहते, मानवीय गुणों के बल पर वो सामाजिक उत्थान चाहते हैं। तो यही कवियों की प्रगतिवादी का कारण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है ना। यानी जाति धर्म, जात पात धर्म आध्यात्म,
ये जितने पीछे मुक्त होकर प्रगतिवादी का धारा हमको देखने को मिलती है ना। आगे प्रगतिवादी का धारा में जो अब तक हम अध्ययन करते आ रहे हैं, दूसरी बात प्रगतिवादी का धारा क्या है, ये किस रूप में हमारे सामने आती है वो देखते हैं। नारी, नारी क्या है, नारी का सम्मान, नारी का सम्मान, नारी मित्रों क्या है, नारी के शोषण को समाज के लिए अवरोध मानता है प्रगतिवाद, कि नारी के शोषण को समाज में अवरोध मानता है, कि नारी का शोषण नहीं होना चाहिए, नारी को भी समाज की मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए, उनके प्रति जो शोषण की भावना है, हैं, उनके प्रति जो काम वासना की भावना है, हैं, नारी को पूजनीय है, जहां जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ये हमारी सांस्कृतिक अवधारणा है ना। लेकिन यहाँ नारी का शोषण नहीं है, वे जीवन के प्रति आशावादी होते हैं कि नारी को शोषित नहीं, इनका सम्मान करना चाहिए, नारी में जीवन की संभावना तलाशनी चाहिए, क्योंकि नारी सृष्टि को अविराम करती है ना, इसलिए नारी के प्रति सम्मान देखने को मिलता है। आप देखिए अगर भाषा की बात आती है, हैं, भाषा तो भाषा, भाषा कैसी होगी, भाषा प्रगतिवादी का धारा के जो कवि है उनकी भाषा जन भाषा होगी, कैसी होगी, जन भाषा। अब जन भाषा का मतलब होता है जन जन की भाषा, ऐसी भाषा जिस भाषा में अपने विचारों को, अपनी संवेदनाओं को, अपने मंतव्यों को प्रकट कर सके और समाज में उन्नत हो सके, व्यक्ति की जन 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 भाषा इसमें, यानी व्यक्ति के स्वयं की खुद की जो विचारधारा की भाषा है, उस विचारधारा की भाषा में ही प्रगतिवादी का धारा लिखी जाती है। साहित्यिक भाषा का यहाँ कोई उल्लेख नहीं होता, छंदवादी आलंकारिक जो भाषा है, छंदबद्ध जो आलंकारिक भाषा है, यहाँ उसका कोई औचित्य नहीं है, उस भाषा को यहाँ महत्व नहीं दिया है, जबकि ऐसी भाषा होनी चाहिए जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से संबंधित हो, उन्हें उन्नत करे, ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है। व्याकरणिक काव्यशास्त्र के अनुरूप जो भाषा का निर्माण है उस भाषा का यहाँ कोई महत्व नहीं है, ठीक है। अब देखिए बात आती है कि मान ले ये पूछा जाए कि प्रगतिवादी शब्द है, प्रगतिवादी, ये प्रगतिवाद जो शब्द है ये सर्वप्रथम कहां से आया, इससे सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो सुमित्रानंदन पंत जी है, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, उनकी एक काव्यकृति युगवाणी, युगवाणी। आप देखिए समझिए प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सुमित्रानंदन पंत ने किया, प्रगतिवाद शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम सुमित्रानंदन पंत ने किया है ना, और युगवाणी का विधारण ने किया, इसलिए सर्वप्रथम जो उल्लेख करने वाले विद्वान है कवि है वो सुमित्रानंदन पंत है, काव्यकृति कौन सी है, युगवाणी, इसलिए इसका हमें ध्यान रखना है। पंत का काव्य संग्रह जो युगवाणी है उसमें प्रगतिवादी, प्रगतिवादी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, और खड़ी बोली का प्रथम जो प्रगतिवादी वाक्य वो डॉक्टर बंसल ने कहा है, पंत को ही प्रगतिवाद का जनक माना जाता है, इसको जनक माना जाता है, किसका, प्रगतिवाद का है ना, पंत को ही प्रगतिवाद का जनक माना जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए आगे एक बात हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं कि छायावाद में सुमित्रानंदन पंत भी छायावाद के स्तंभों में थे है ना, मुख्य स्तंभों में थे, जयशंकर प्रसाद थे है ना, उनकी काव्य रचना में जो छायावादी काव्य धारा थी उसमें भी क्या है, वो रसवादी थी,
लेकिन जीवन की यथार्थ पक्ष को उसमें देखा जाता था, है ना। जीवन की जो आंतरिक भावना, आंतरिक जो विचारधारा है, उसको रहस्यात्मक तरीके से प्रकट करने की जो कामधारा वो रहस्यवाद वो छायावाद थी। तो यानी प्रगतिवाद की जो भाव भूमि है वो छायावाद में ही बनना शुरू हो गई थी। पीयूष ऋषि पढ़ा करो जीवन के सुंदर, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग नंतर में, और पीयूष ऋषि पढ़ा करो जीवन के सुंदर समतल में। यानी कहने का तात्पर्य है, जयशंकर प्रसाद ने रामायण में नारी को कितना बड़ा सम्मान दिया है, उन्हें त्याग की मुक्ति कहा है। तो ये जो चेष्टा है, ये भावधारा है, छायावाद में ही प्रारंभ हो चुकी। और कभी अपने कामधारा को उन्नति की ओर, व्यक्ति के झंझावाद को संकीर्णताओं से बाहर निकालकर, यानी जीवन की वास्तविक धरातल पर इस विचारधारा को ले जाया गया। इसलिए ये प्रगतिवादी जो कामधारा है, जीवन की प्रगति का मूल है, उनकी विचारधारा की प्रगति का मूल है, उनकी सोच और समझने का विचार मूल है, उनके चिंतन का ऐसा मूल है जो उन्नति की ओर ले जाए, मार्गदर्शन करे, व्यक्ति को सुसंस्कृत करे, ऐसी कामधारा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं कि प्रगतिवादी कामधारा की मुख्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी है ना, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। मुख्य प्रवृत्तियां, आप देखिए मुख्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी है। प्रवृत्तियां विशेषताएं, विशेषताएं जो होती है, मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है देखते हैं। शोषितों की दीनता का चित्रण, यानी शोषितों का चित्रण ऐसे ही ले लेते हैं सीधा, है ना। तो देखिए प्रगतिवादी का धारण क्या है, जो शोषित है, निम्न वर्ग, मजदूर वर्ग है, है ना, ऐसे व्यक्तियों की जो दीनता है ना, उनकी जो कारणिक स्थिति है, उनकी जो गरीबी है, उनकी जो अवनीति है, उसका इसमें चित्रण किया जाता है। का प्रगतिवादी का धारा में उनका चित्रण किया जाता है, उनको समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, समाज में उन्नति करने के लिए उनके साथ ऐसे जनमानस में जागृति पैदा की जाती है, उनका चित्रण किया जाता है। दूसरा है शोषक वर्ग के प्रति घृणा, यानी प्रगतिवादी शोषक वर्ग के प्रति घृणा, ठीक है ना। सीधी बिंदु में सीधी बात आ रही है कि जो शोषक वर्ग है, यानी जो पूंजीपति वर्ग है, उनके प्रति जो शोषित वर्ग में घृणा उत्पन्न होनी चाहिए, यानी उनको विरोध करना चाहिए, है ना। विरोध इसलिए करना चाहिए कि वे उच्च वर्ग में जीने वाले होते हैं और वो शोषितों का शोषण करते हैं, तो विरोध करना चाहिए। यथार्थवादी बोध होना चाहिए, उसमें जो
चित्रण है वो यथार्थवादी होना चाहिए, वास्तविक जीवन के मूल्यों से भरा हुआ होना चाहिए, है ना। क्योंकि यथार्थवादी जीवन ही व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाता है, भ्रम में या गुनाह नहीं करता, भ्रम में नहीं पाता। इसलिए हमारे जो विचारधारा है, ज्ञान विवेकवेदी का धारा की जो विचारधारा है, इसमें लिखने वाले जो कवि है वो मानवीय जीवन को जीते हैं समाज में, और मानवीय जीवन मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं, उन्हीं के अनुसार सामाजिक उत्थान, सांस्कृतिक उत्थान, धार्मिक उत्थान और वैचारिक उत्थान होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से ये कामधारा हमको ये दृष्टिकोण देती है। तो ये जो कुछ प्रवृत्ति हमने देखी, ये प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां है, ठीक है। अब देखिए अंत में देखते हैं कि कौन कौन से कवि हुए हैं, कवि कौन कौन से कवि हुए प्रगतिवादी कामधारा में, प्रगतिवादी कामधारा में कौन कौन से कवि हुए हैं, ये चीज देखते हैं। तो हम देखते हैं सर्वप्रमुख जो कवि मुख्य कवि है वो केदारनाथ अग्रवाल है, केदारनाथ अग्रवाल है, ये प्रगतिवादी का धारा मुख्य कवि है, ठीक है ना। उसके बाद नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र जिसको बोलते हैं, जिनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, है ना, नागार्जुन, बाबा नागार्जुन, ठीक है। उसके बाद त्रिलोचन, तो बाद रामविलास शर्मा, राम विलास शर्मा, ठीक है, राम विलास शर्मा, रांगे राघव, हाँ, शिव मंगल सिंह जिनको सुमन भी कहते हैं, सुमन, ठीक है, त्रिलोचन, ये आदि ये जितने भी कवि हैं सब प्रगतिवादी कामधारा के कवि हैं। इन्होंने अपने जो चिंतन लिखा, अपने जो काम रचना लिखी है वो प्रगतिवादी कामधारा के तहत लिखी। इनकी रचनाओं में प्रगतिवाद देखा जाता है, इनके रचनाओं में जीवन के मूल्यों की स्थापना देखी जाती है, इनके रचनाओं में जीवन को उन्नति की ओर आगे बढ़ने की यथार्थवादी चेष्टा देखी जाती है। तो ये केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, रामधी राघव, शिव मंगल सिंह, सुमन और त्रिलोचन, ये जितने भी कवि है ये कौन है, किसका धारा के हैं, प्रगतिवादी काव्य धारा के। तो ये छोटा सा जो प्रकरण आज हमने इसका अध्ययन किया, मैं मानता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप इसका अध्ययन करें, गहराई से अध्ययन करें, तो सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी, ठीक है। फिर अगले नए प्रकरण के साथ अगले वीडियो में कल आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए।